चलिए बढ़ते आगे रुक लेंगे बड़ी खबर का, जहां आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली एमसीडी में एल्जमैन नियुक्ति एलजी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एलजी एल्जमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, एलजी डस एल्जमैन नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया, एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली एमसीडी में एलजी को अधिकार है काम करने का, एल्डरमैन नियुक्ति का अधिकार दिया गया है एलजी को, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है और इस दौरान एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया है। आम आदमी पार्टी ने याचिका दाखिल की थी, उसे अब खारिज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति एलजी का अधिकार है, एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति एलजी का अधिकार है, चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने की एलजी को जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये मामला पिछले लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था और एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर एतराज जताया गया था कि एलजी ने बिना सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति की है। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। आज इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, जिसमें बात कही गई है कि उपराज्यपाल को ये पूरा अधिकार है कि वो खुद एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तौर पर दिल्ली सरकार की सलाह या दिल्ली सरकार से इस मामले में पूछने की आवश्यकता नहीं है। एमसीडी एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एल्डरमैन की भूमिका दिल्ली में जब एमसीडी की अलग अलग वार्ड कमेटी के चुनाव होंगे या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में देखने यही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से अब कमेटियों के चुनाव होते हैं और उनमें क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रणय, इस दौरान एलजी 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है, इस बात को भी कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है, क्योंकि लगातार एलजी की कार्यशैली को लेकर के आम आदमी पार्टी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी, जिसको लेकर के ये याचिका भी दाखिल की गई थी और पिछले लंबे समय से ये घमासान की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उपराज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। तो ऐसे में जो ये माना जा रहा था कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर जो फैसला है वो दिल्ली सरकार के हक में आ सकता है, पहला झटका तो वहीं लग गया। दूसरी बात ये कि क्योंकि वार्ड कमेटी के अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, वो चुनाव ना होने के पीछे वजह ये थी कि एल्डरमैन को वोटिंग करने का अधिकार होता है वार्ड कमेटी के जब भी चुनाव होते हैं अलग अलग जोन में। तो ऐसे में वहां पर जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का मजबूत हो जाएगा, उस लिहाज से भी जो अब दिल्ली सरकार है या यूं कहें आम आदमी पार्टी है, उसे एक झटका लगा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।